व्यूअर्स, वेल दिस इज मारूफा नवाज अहमद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ रानीगंज हजरत गौसे बंगाला के मजार शरीफ में। उर्स मुबारक का मौका है और मैं आप लोगों को उर्स का पूरा चका चौंध दिखा देती हूँ अपने बैक कैमरा से। तो मेरे प्यारे नाजरीन, आप लोग मेरे एकदम सामने में देख सकते हो, कैमरा जूम करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। यह है हमारे हजरत गौसे बंगाला का मजार शरीफ, जो कि रानीगंज वेस्ट बंगाल में है। अल्लाह के सच्चे वली यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों तरफ ऐसे मज़ार के शिरनी, चादर, हर एक चीज़ का दुकान जो है ना लगा हुआ है। अगर आप लोग हदिया करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ से आकर हदिया कर सकते हो। अगर आप लोग घर से लेकर आना चाहते हो चादर वगैरह कुछ भी, तो उसको भी ला सकते हो। ऊपर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा। बहुत सारे नाजरीन जो है ना अलग अलग जगह से, वेस्ट बंगाल से आते हैं हज़रत के मज़ार शरीफ ज़्यारत करने के लिए। और जो कि अभी उर्स मुबारक का मौका है, 13 फरवरी 2022 से उर्स जो है ना वो शुरू हो चुका है और आज है 17 फरवरी 2022। आज भी उर्स मुबारक है। आप लोग देख लीजिए कितना ज़्यादा भीड़ है। सो फ्रेंड्स, भीड़ जो है ना वो थोड़ा कम हो गया है और चलिए सामने की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये वाली जो जगह आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ पर आप लोग इत्मीनान से अपने जूतियों को, चप्पलों को रख सकते हो और फिर इत्मीनान से हज़रत गौसे बंगाला के मज़ार शरीफ जा सकते हो और ज़्यारत कर सकते हो। मेरे पिछले वाले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि विद इन 300 से लेकर 400 रुपीज़ के अंदर अंदर सारे रूम्स जो है ना अवेलेबल है मज़ार के आसपास। लेकिन अभी उर्स मुबारक का मौका है और उर्स मतलब सीज़न का टाइम, तो सारा दाम जो है ना ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है भाई, वो सामने जो है ना वो मज़ार है, आप लोग मेरे पिछले वाले ब्लॉग में भी देखे होंगे। और ये वाला ऑफिस है, ठीक है, ये वाला ऑफिस है और यहाँ पर आकर आप लोगों को बात करना होगा, रूम मिल जाएगा। भीड़ आप लोग देख लें कितना ज़्यादा भीड़ है और वहाँ पे देखिए मेला लगा हुआ है। इंशाल्लाह शाम के वक्त मैं आप लोगों को वहाँ पर भी लेकर जाऊँगी। हम लोग गेट के पास खड़े हैं, अहमद गए हैं रूम देखने के लिए। सामने गाड़ी पार्किंग नहीं करने दिया जा रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जा रहा है। ये देखिए, मेरी मम्मी थक गई हैं इस वजह से मैंने उनको बैठा दिया है। और जब मैं मज़ार की ज़्यारत करने जाऊंगी तो इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो आप लोगों को वहाँ का भी नज़ारा दिखाऊंगी। ये इन लोगों को पिंक पिंक सा कुछ कपड़ा मिल रहा है। मज़ार के अंदर जो जो गए थे सभी के पास है। ये देखिए,
तो मेरे प्यारे नाजरीन, आप लोग देख सकते हो कि हज़रत गौसे बंगाला के मज़ार शरीफ में कुछ दीवाने आए हैं चादर पोशी करने के लिए संदल लेकर, और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। असर का वक्त हो चला है, मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले मज़ार शरीफ आई हूँ। इंशाल्लाह पूरे डिटेल्स में आप लोगों को हज़रत गौसे बंगाला के मज़ार शरीफ का, उर्स का और मेला का भी वीडियोस आप लोगों को मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फ्रेंड्स, आप लोग हमेशा कहते हो कि मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं करती हूँ। नहीं, मैं हमेशा वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, लेकिन आप लोग एक छोटा सा बेल आइकन है ना, उसको हिट नहीं करते हो, इसी वजह से आप लोग मेरा वीडियो नहीं देख पाते हो। तो एक छोटा सा बेल आइकन होता है, उसको ज़रूर हिट कर लीजिए, ताकि आप लोग मेरे कोई सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन को मिस ना करें। अब मैं आप लोगों से बहुत जल्द दूसरे वीडियो में मिलूँगी इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।